हाय गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द प्रॉफिट भाई। आपका भाई आपके सामने आज इस वीडियो में वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट एन आर्टिकल व्हिच आई जस्ट केम अक्रॉस इन माय रिसर्च ऑन moneycontrol.com। सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर बाय और सेल रिकमेंडेशन। मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल छपा है दैट बिकॉज और लेट्स से इफ द एनडीए कम्स टू पावर विद दिस काइंड ऑफ नंबर्स 350 360 व्हाटएवर जो भी फाइनल नंबर 4 जून को आएगा, तो कल यानी 3rd जून मंडे, जब आप जब भी 3rd जून को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स कैन डू वेल। दिस आर्टिकल हैज बीन पुट अप ऑन मनी कंट्रोल। तो ये मेरा ओपिनियन तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज वी आर रीडिंग थ्रू एंड आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक सेंस कि मुझे मैं कितना उनसे अग्री या डिसअग्री करता हूँ। तो मैं आपको आर्टिकल दिखा दूंगा अभी के अभी, एंड दिस None of these stocks are buy or sell recommendations from my side because मैं काफी कम स्टॉक्स देखता हूँ जैसा आप जानते हो। और वैसे भी ये 3-4 दिन ट्रेडर्स डायरी थोड़ी कम ही रहनी चाहिए, क्योंकि 5-10% का स्विंग मिलेगा आपको, लेकिन इफ यू डोंट हैव अप्रोप्रिएट ट्रेडिंग टूल्स देन आप मिस भी कर सकते हो। इट्स एन एक्सट्रीम सिनारियो। बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा गरीब, जैसे बोलते हैं ना, ग्रीड एंड फियर, ये दोनों का माहौल 3 दिन होने वाला है। जो भी नतीजे आएंगे ये होगा, मार्केट विल प्राइस इन अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन। सबसे पहले ये है मनी कंट्रोल का आर्टिकल। आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन। इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, डेफिनेटली। हाँ जी, एक सेकेंड। या सो उन्होंने डाला है SJVN, अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप सिर्फ देखते जाइए उनका तर्क क्या है। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर समबडी हु इज स्टडिंग द मार्केट्स। अगर आप में से कोई वाकई में सीखना चाहता है, तो ये जितने 4-5 स्टॉक आप देखोगे इस वीडियो में, जस्ट एज एन एजुकेशनल पर्पज, जो हमारा ट्रेनिंग पर्पज है, जस्ट एनालाइज कि कल एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं वो स्टॉक में होता है या नहीं। देन यू कैन ऑलवेज रेफर मनी कंट्रोल इफ दे गो 100% करेक्ट या वट एवर। सो इन्होंने चार्ट पैटर्न दिखाया है SJVN पर, तो ऐसे माहौल में चार्ट दिखा के मतलब क्या है? जैसे मनी कंट्रोल सेबी रजिस्टर्ड है क्या हम लोग? क्योंकि ये तो डायरेक्ट बाय सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड एट ऑल। एंड होगा इतने टाइम से, इट्स डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, तो हो सकता है वो सेबी रजिस्टर्ड होगा। करंट मार्केट प्राइस 139 है। नाउ लुक एट देयर लॉजिक। आफ्टर पीकिंग एट अराउंड 153 ऑन मई 22, SJVN डिक्लाइंड बाय 22 रुपीज, विच इज 15%। इट हैज शोन रेजिलियंस इन द लास्ट 2 सेशंस। तो ये लोग बेसिकली DMI देखते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर देखते हैं। अरे बहुत इंडिकेटर्स हैं यार दी प्रॉफिटियर्स, डोंट गेट कंफ्यूज। इंडिकेटर्स में आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, जस्ट गो डीप रादर देन गोइंग वाइड। ये मैंने बहुत अच्छी बात सीखी थी, एक यूट्यूबर से ही सीखा था। और मतलब जो सही है वो सही है, ये मैंने पढ़ा भी है बुक्स में। और मतलब मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नॉट दैट ही नीड्स इट। विशाल मलकान जो यूट्यूबर है, उनके चैनल पे मैंने सीखा था। वो RSI देखते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग आप भी RSI देखो, बट जो भी आप देखते हो 3-4 इंडिकेटर्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, गो डीप इन टू दैट रादर देन इंक्रीजिंग द इंडिकेटर्स। यू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ योर इंडिकेटर्स। तो अभी बुलिश क्रॉस बना है बोलते हैं, और देखो सीधा टारगेट दिया है। आई डोंट नो हाउ दीज गाइज आर गिविंग इट। ये तो बिल्कुल मुझे तो इनअप्रोप्रिएट लगता है, सॉरी इनअप्रोप्रिएट है। ट्रेडर्स आर एडवाइज ब्ला ब्ला ब्ला, रेंज ऑफ 138 to 140 के रेंज में वो कह रहे हैं बाय करो, और 155 का टारगेट और स्टॉप लॉस दिया है 131। प्लीज जस्ट लेट्स ऑब्जर्व कि कल होता क्या है, कल या परसों जो भी। ये SJVN कैंपस एक्टिव है, तो आई डोंट मतलब ट्रैक दिस। RIL में, रिलायंस में हो सकता है मूवमेंट आए। उन्होंने टारगेट दिया है, देखें क्या दिया है। रीचिंग द हाई टारगेट ऑफ 3000, दोनों राउंड फिगर, टारगेट ऑफ 3000, स्टॉप लॉस ऑफ 2800। मतलब एकदम एग्जैक्ट राउंड फिगर दे दिया। पता नहीं आर्टिकल लिखता कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है, आई डोंट नो। बट मनी कंट्रोल वेबसाइट तो काफी पुराना है। हाँ, ये एक कंपनी मेरे को भी ठीक लगती है इस वैल्यूएशन पे, EID पैरी। मैं तो कभी बाय या सेल नहीं बोलूंगा ये लोग, क्योंकि मोलासेस और इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी इनका नाम आ। ये बहुत पुरानी कंपनी है गाइस, इफ यू रिमेम्बर वो कॉफी बाइट करके टॉफी आती थी ना,
जो आपने बहुत साल पहले देखा होगा, तो कॉफी टॉफी, कॉफी बाइट, ईआईडी पैरी वाज द मेकर ऑफ कॉफी बाइट। ओके, सो अच्छी कंपनी, इसकी पेडिग्री, मतलब इसका नाम वैसे भी बहुत चलता था, और कंपनी में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गिव मी अ मिनट। ये जो है ना ईआईडी पैरी, बहुत सेंसिटिव है, दिस इज वेरी सेंसिटिव। सरकार ने बीच में मूव निकाला था, दे वर टारगेटिंग द, मतलब कुछ तो गवर्नमेंट के कुछ इसको मोलासेस और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके कुछ नए रूल्स आ गए, तो ये स्टॉक ऊपर नीचे जरूर हो जाता है। तो ये लोग ने लिखा है वन कैन बाय ईआईडी पैरी अराउंड 650 660 विद अ टारगेट ऑफ 742। बेसिकली क्या है, देखिए सब लोग 10-10% अपसाइड और नीचे स्टॉप लॉस दे रहे हैं। 10% स्टॉप लॉस दिया है, स्टॉप लॉस भी 10% दिया है। सो वन कैन बाय अराउंड 650 660 और स्टॉप लॉस है 600, यानी 10% डाउन आप रुकेंगे स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट है 10% या चलो 12%, 12-13% अपसाइड का टारगेट है। ये कौन सा रिटर्न हुआ मुझे समझ नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ भले आप सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ अपनी या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करनी। जो रूल है वो रूल है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आईओबी देख के कोई मतलब नहीं। ईआईडी पैरी मैं एक बार देखता हूँ। जेके पेपर, पेपर स्टॉक्स मैंने आपको बताया था, वैसे भी ऊपर जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी स्कूल्स खुलने वाले और स्टेशनरी वाले, पेपर वाले, ये सारे ही शेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बिजनेस में है वो ऊपर जा सकते हैं। 380 का टारगेट दे रहे हैं, 410। जेके पेपर वैसे अच्छा है, पहले मैंने इसको डिटेल में कवर भी किया है। रत्नमणि मेटल्स का नाम मैं बहुत सुनता हूँ यार, बट अडानी को तो हम कभी भी देखे, जाओ आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, अडानी ग्रुप आगे बढ़ो, कभी नहीं। हाँ तो इतने ही स्टॉक है, तो मतलब इनकी गाड़ी इधर आके रुक जाती है। अडानी ग्रुप को मैं कहाँ देखूंगा, आप लोग में से जितने लोग मुझे जानते हो पहले से, आप जानते हो ना वी डोंट कवर स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स, जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई वैल्यूएशन मेट्रिक समझ में नहीं आता, तो हम तो दूर ही रहेंगे, दूसरे बड़े लोगों को कवर करने देंगे। वी लुक एट ईआईडी पैरी, कॉफी बाइट। सो ये है 11,000 करोड़ की कंपनी। ये मैंने पहले एक बार आपको दिखाया हुआ, मतलब जो मेरे एकदम जुड़े हुए 10,000 मार्क के पहले के सब्सक्राइबर हैं, सबने देखा होगा। 668 का प्राइस है। आई थिंक दिस इज द ओनली वन जो मुझे लग रहा है, इमीडिएट तो पता नहीं लेकिन ये अंडर वैल्यूड तो जरूर है फॉर गुड। लेकिन मैंने कहा ना ये सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव स्टॉक है। थोड़ा सरकार ने पॉलिसी इधर उधर किया, ये 10% बीच में भी गिरा था ये, मतलब मुझे याद है 6-8 महीने पहले की बात है। बुक वैल्यू 400 है और बिल्कुल 1.6 1.7 का प्राइस टू बुक, 13.2 का प्राइस टू अर्निंग। दिस इज क्लासिक अंडर वैल्यूएशन। आरओई थोड़ा कम है फ्रॉम व्हाट आई लाइक। 12,000 करोड़ की कंपनी है, क्या करती है ये देखिए। एंगेज इन शुगर, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड इथेनॉल। इथेनॉल इज द ओनली फैक्टर, फॉरगेट अबाउट शुगर स्टॉक नहीं है ये, इथेनॉल के वजह से इसमें इंटरेस्ट बना था एफआईआई का। इट ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द फार्म इनपुट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, तो ये सब इंडस्ट्रीज। बात तो सही है, बारिश का सीजन है, ग्रो कर सकती है डेफिनेटली। अपने सेक्टर में पीयर टू पीयर में तो ये नंबर वन कंपनी है, लेकिन बाकी आप देखो सारे पीयर कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग लगभग उतना ही है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग थोड़ा आगे है, इसको भी आई थिंक हमें ये सेक्टर में एक बार एक अलग वीडियो बना के सिर्फ सेक्टर कवर करना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। क्या बोलते हो गाइस, पूरा सेक्टर ही देख लेंगे। नेट प्रॉफिट देखिए, दिस इज वेयर द इथेनॉल पार्ट कम्स इन, 1,000, 1,500, 1,800, और ये गिरा नीचे लास्ट ईयर में। ये जो नीचे गिरा ना, यहाँ प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, आरओए जो कि बढ़ रहा है बट थोड़ा लास्ट ईयर नीचे गिरा है। नो डाउट कंपनी बहुत सारे चेंजेस से भी गुजरती है, साइकिल्स बदलते हैं, बट लेट्स हैव अ लुक कि लेवल्स भी देखेंगे, 200 एमए वगैरह। अभी ये देखो प्रमोटर ने माल बेचा है, इसका मैक्सिमम प्रमोटर कौन है, बड़ा प्रमोटर अंबाड़ी इन्वेस्टमेंट्स, मुरुगप्पा होल्डिंग कंपनी। ओके फेयर इनफ, तो मतलब लेकिन मुरुगप्पा का कम है काफी होल्डिंग। एनीवेज एफआईआई का होल्ड, हाँ एफआईआई ने बेचा है माल, करीब करीब 3%, ऑलमोस्ट 3% एफआईआई हैव सोल्ड, बट डीआईआई हैव बॉट 4.92। तो मतलब लोकल प्लेयर्स को इस पे ज्यादा भरोसा है, दैट्स एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द इथेनॉल स्टोरी ना गाइस, वही मैं कह रहा हूँ। एलआईसी के पास 1.94% है, एसबीआई मैग्नम फंड है, चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड 5% है उसके पास, मतलब सरकारी कंपनी लेके बैठी है और इंश्योरेंस वाले लेके बैठे। सो
इसका एक बार खाली ग्राफ प्राइस चार्ट देख लेते हैं और प्राइस टू पी रेशियो भी देख लिया जाए जल्दी जल्दी। ये है प्राइस चार्ट इन द लास्ट 6 मंथ्स। देखिए ये एंड ये टाइम था जब गिरा तो हाँ अर्निंग्स बढ़ी है और प्राइस गिर रहा है। क्लासिक पी का अंडर वैल्यूएशन। आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट टाइम। ये देखो ना ये बार देखो आप पी 8.4 का प्राइस टू अर्निंग था। क्या भाव पे मिल रहा होगा उस टाइम पे, क्या भाव था 411। अभी कितना है? नहीं अभी तो ये बहुत ऊपर आ गया है। अगर ऐसे 5 ईयर में देखा जाए दिस वॉज द टाइम जो मैं कह रहा था ना आपको, सरकार की न्यूज आई थी एंड ऑल दैट 400 450। तो यार मेरे हिसाब से तो आई थिंक अभी इसमें घुसना थोड़ा लेट ही है, बट हाँ लेट्स सी। आई मीन बाजार में मोमेंटम है तो कुछ भी हो सकता है। 1 मंथ का चार्ट देखें कहाँ गया है लास्ट महीने में। हाँ ऊपर गया 625 74 450 नहीं तो मैक्स 574। आई थिंक ये मिस हो गया। अच्छा लेवल था इसको पकड़ने का। 574 लुक्ड गुड। अभी तो बहुत ऊपर है, अभी तो ये बहुत रिस्क। तो देखते हैं मनी कंट्रोल के 5 स्टॉक्स में क्या होता है। आप ध्यान रखो इट विल बी अ लर्निंग। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, अभी मुझसे एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन आया था, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कितना रिलायबल होते हैं ये ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स और ये इस तरह के वेबसाइट के रिपोर्ट। तो मैंने सोचा उसी से आइडिया आया कि चलो ये पकड़ के बना लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखिए बाजार के बहाव में शायद ये 700 क्रॉस भी कर ले एक बार के लिए, कर भी सकता है। इसका 52 वीक हाई कितना है? 704 है। हाँ तो ये तो जब देखो 704 तो ये क्रॉस करेगा और सारे चार्ट पैटर्न वाले खड़े हो जाएंगे। 52 वीक हाई 52 वीक हाई। तो आई थिंक व्हाट दे आर सेइंग कुड बी ट्रू, बट फंडामेंटली अभी इस वक्त ये काफी चल चुका है। ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो बहुत वॉलेटाइल हो सकता है अकाउंट। देखिए इसी तरह से यू हैव टू चेक योर ट्रेड्स। और मैं तो यही कहूंगा दोबारा, मैं पहले के वीडियो में भी कहा है, डोंट ट्रेड इन द मार्केट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ओन ट्रेड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देर इज नो पॉइंट टेकिंग अ चांस। क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा, कैपिटल बचाओगे तो आप बजट के आसपास या बजट के पहले एक बार करेक्शन आए फिर मार्केट ऊपर आए तो आप कमा सकते हो। तो डोंट फॉरगेट प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की जरूर आएगी, क्योंकि जो मार्केट ने प्राइस किया था वो सरकार अगर आ गई तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम ये लॉजिक समझाया था एक वीडियो में। एनीवे लेट्स कीप योर कमेंट्स कमिंग इन एंड लेट मी नो कैसा लगा आपको ये वीडियो। जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद।